राउत कहा, तमिलनाडु की परंपरा हमारी संस्कृति, भगवान मुरुगन के अपमान का जनता देगी जवाब। हाईकमान करेगा नेतृत्व परिवर्तन का फैसला, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, समयावधि किसी की फिक्स नहीं होती। कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन जारी, राज्य मंत्री भरत कुशवाहा का बयान, किसान आंदोलन कुछ लोगों के बहकावे की उपज, एमपी की मंडियों पर असर नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार, किसान आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे कन्नौज, सरकारी गाड़ी भी जब्त। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खेला आदिवासी कार्ड वाला बच्चन हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ ने आगे बढ़ाया नाम, डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी पिछड़े। स्वागत है आप सभी का डीएनए न्यूज में, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, तो बड़ी खबर ये है बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, बाला बच्चन को बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम कमलनाथ ने खेला आदिवासी कार्ड, पद की रेस में गोविंद सिंह और जीतू पिछड़े, तो बाला बच्चन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, कमलनाथ छोड़ सकते हैं नेता प्रतिपक्ष का पद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाला बच्चन को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। दीक्षित जी, बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष पद संभाल सकते हैं, क्या खबर? वर्षा, बतौर प्रदेश अध्यक्ष जी, बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनकी ये बात तो दमदारी से कही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात अगर राजनीतिक पहलू देखा जाए जी, तो वर्षा इसमें ये है कि बाला बच्चन उनके खासे समर्थक माने जाते हैं और उनके उनके बिल्कुल कट्टर समर्थक, जिसको कहता हूं मैं, उनमें कुछ जो कट्टर समर्थक हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं दम से, उनमें बाला बच्चन का नाम है। और बाला बच्चन पूर्व में जो है कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कमलनाथ ने ही बनाया था, और उन्हीं के कारण अगर ये नाम उनने प्रस्तावित किया है तो इस पर कोई बात गंभीरता से हो रही होगी, तभी नाम प्रस्तावित किया गया होगा, वरना संभव नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कांग्रेस में जो कुछ तय होना होता है वो आलाकमान के निर्णय से होता है, आलाकमान की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सहमति होगी। लेकिन हाँ, बाला बच्चन का नाम वैसे बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन बाला बच्चन के नाम को अगर कमलनाथ ने बढ़ाया है तो ये फिर एक कांग्रेस में कलह की राजनीति की शुरुआत होगी। वर्षा जी, चलिए गीत जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पद की रेस में गोविंद सिंह और जीतू पीछे हो सकते हैं, वहीं बाला बच्चन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और पूर्व सीएम कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। बाला बच्चन को दी जा सकती है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, कमलनाथ खेल सकते हैं आदिवासी कार्ड, कमलनाथ ने बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ाया है नेता प्रतिपक्ष पद के लिए, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
आज किसान आंदोलन का वारवा देने। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, लेफ्ट फ्रंट के सीताराम येचुरी और डी राजा समेत भारत के 11 बड़े राजनेताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें, किसान चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। किसानों का यह आंदोलन मोदी सरकार के लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भारत बंद का ऐलान पर बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस क्या कर रही है, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि कानून किसानों के हित में स्थिति को बदलने की सार्थक कोशिश है। तो किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कृषि कानून किसानों के हित में है। तो किसानों को गुमराह कर रही है, ऐसा कहना है। कृषि कानून किसानों के हित में है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने हो, कांग्रेसी कितने हैं, आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे। सीए पे कह रहे थे कागज दिखाना पड़ेंगे, 3 पीढ़ियों के पर्ची नहीं तो पाकिस्तान भगा देंगे। अब कोई को कागज नहीं दिखाए, कुछ किया। इस विधेयक पे भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून गलत है तो जो आप 60-70 साल से देश चला रहे थे और आपका कानून अच्छा था, तो आपका कानून अच्छा था तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था। पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका यह विरोध हो रहा है। पूरे के पूरे वही लोग हैं जो सीएए के पीछे थे, वो यहाँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के आंदोलन और भारत बंद का पूर्ण समर्थन कर रही है। कमलनाथ ने कहा, हम किसानों के साथ हैं। वहीं अब दिग्विजय सिंह ने किसानों के भारत बंद के ऐलान का समर्थन करते हुए देश के नागरिकों से अपील कर प्रार्थना की है कि वे शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें। तो बंद से मिलेगा, निकलेगा समाधान, कैसे मानेंगे किसान, पहली विंडो में आप देख रहे हैं। और दूसरे विंडो में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बयान दे रहे हैं। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कांग्रेस पर तंज कसा है, यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधा है। बंद से निकलेगा समाधान, वहीं देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अब यहां भी इसके संशोधन की मांग उठने लगी है। भारत बंद के आह्वान के दिन भोपाल समेत प्रदेश की सभी 255 मंडियां संचालित होती रहेंगी और बाजार भी बंद नहीं किए जाएंगे। इसी कारण इसका भोपाल समेत प्रदेश में ज्यादा असर अब तक नहीं दिख रहा है। किसी भी व्यापारी संगठन ने बंद का समर्थन नहीं किया है। भोपाल के गल्ला मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि मंडी बंद नहीं रहेगी, लेकिन हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। मंडी एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मंडी बंद करने के लिए कम से कम 72 घंटे पहले सूचना देनी होती है, ताकि यहां आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
पीएम मोदी ने आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। इस परियोजना में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। पहले फेज में सिकंदरा से ताज ईस्टर्न गेट तक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और इस परियोजना के माध्यम से टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का आगरा के 15 बटालियन पीएसी परेड मैदान में उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। वहीं मेट्रो शुरू होने से आगरा के 26 लाख की आबादी को फायदा होगा। तो पीएम मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया है। सामान्य युवा भारत के छोटे देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बना, ये यूपी का सातवां शहर है। खबरों में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं शहडोल के साथ। शहडोल में बच्चों की लगातार मौतों के चार दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज रात शहडोल पहुंच रहे हैं, जहां भी जिला अस्पताल का दौरा करेंगे। बच्चों की मौतों के कारणों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कल 8 दिसंबर को स्वास्थ्य समीक्षा बैठक बुलाई है। दरअसल पिछले 10 दिनों में शहडोल में 14 बच्चे काल के गाल में समा गए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप हुआ है। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आपको बता दें रामेश्वर शर्मा अयोध्या के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने राजधानी लखनऊ में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई आला नेताओं से मुलाकात की। बीते दिनों सीहोर के नसरुल्लागंज के दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाड़कोई गांव के लोगों से मुलाकात की। सीएम ने ग्रामीणों को सौगात देते हुए श्री राम मंदिर में सामुदायिक भवन के साथ साथ धर्मशाला बनाने की मंजूरी दी। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने बड़ा बाजार का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और इस पर श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट समिति ने सीएम का आभार व्यक्त किया। धर्मशाला के लिए और इसके बाद हम मैंने बजरंग सेना के द्वारा यहाँ पे उनको स्मृति चिन्ह भेंट करा। स्मृति चिन्ह वो कैबिनेट बनाया के जाने के उपलक्ष में बजरंग सेना परिवार द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट। हमारी बरसों से भाई साहब से मुख्यमंत्री महोदय से मांग थी कि हमारे यहाँ धर्मशाला या सामुदायिक भवन दें, उसको हमने छोटा सा प्रोग्राम रख के उनके सामने रखी। ग्रामीण के सभी लोग थे उपस्थित, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकृत करी और कलेक्टर महोदय को निर्देशित करा कि आप देख के और इसका एस्टीमेट बना के और इसको पूरा करवाओ जल्दी जल्दी। शिवराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में सीएम के विकास के विजन के साथ अनुरूप कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा जो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमोरी के विकास को लेकर जनता से वादे किए थे, उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी है। बमोरी में सड़कों का जाल बिछेगा, आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी समीक्षा बैठी है डिपार्टमेंट की, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी और विशेष रूप से आजीविका मिशन जो स्व सहायता समूह द्वारा संचालित होते हैं उसको भी हम लोग आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है और 1-2 महीने के अंदर वो भी हम आपके सामने लाएंगे। तो ये बातें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर हाईकमान के पाले में गेंद डाली है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय करने का फैसला कांग्रेस आला कमान का है, समयावधि किसी की फिक्स नहीं होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा अर्जुन सिंह 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, ये सब
हाईकमान के ऊपर निर्भर है। अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने पर भी उन्होंने तंज कसा था कि हम सीमित स्तर पर काम करते हैं, अगर किसी तरह का कोई फीडबैक हमसे चाहा जाएगा तो हम उसे जरूर देंगे। हाईकमांड भी रहते हैं, कार्यवधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो दो दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी दो दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से। वो तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री हो उनसे मैं मांगूंगा, अगर मैं बना रहा विधायक, कि आप मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपसे भी मांगूंगा कि मेरे को स्वास्थ्य। और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहाँ पर पुलिस ने एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे एक डॉक्टर दंपत्ति का नकदी और जेवरात से भरा बैग शहर के विक्की फैक्ट्री तिराहे के नजदीक गिर गया था। गनीमत यह रही कि चौराहे पर तैनात दो आरक्षकों ने इसे देख लिया और बैग को थाने में जमा करा दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के रहने वाले सागर और योगिता कार से दिल्ली जा रहे थे। विक्की फैक्ट्री तिराहे पर मुरैना जाने का रास्ता पूछने के दौरान उनका पर्स गिर गया था। सागर और योगिता दोनों दिल्ली एम्स में काम करते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे थे तो विक्की फैक्ट्री चौराहे पर ने एड्रेस पूछा किसी से गेट खोलकर, तो उसी दौरान इनका जो लेडीज पर्स था वो वहाँ पर गिर गया था। उस पर्स में सोने के जेवर थे, 25,000 रुपये थे, कुछ डॉक्यूमेंट थे और घर की चाबियाँ थी। तो जो विक्की फैक्ट्री पॉइंट पर दो आरक्षक थे दीपक चतुर्वेदी और विभोर रावत, उनके द्वारा ये पर्स उठा लिया गया था और थाने में जमा कर दिया गया। रतलाम के अलकापुरी में मकान में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में रहवासियों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अलकापुरी में रहने वाले कमलेश जोशी के मकान पर टावर लगा हुआ है। टावर की मुख्य केबल बेसमेंट में थी, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शहर के रतलाम शहर के राजीव नगर में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मास्टरमाइंड दिलीप देवल के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए अधिकारी रविवार को जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। इस दौरान जांच अधिकारी ने चिकित्सकों से भी चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बीजेपी की वेल यात्रा में शामिल हुए। तो तमिलनाडु के करुप्पार कुटुंब ने समस्त हिंदू समाज के आस्था के केंद्र आराध्य देव भगवान मुर्गन का अपमान किया है, उनके विषय में अनर्गल बातें कही है। ऐसे प्रभु के बारे में जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सबके सबको आशीष देते हैं, जिनका आशीर्वाद सब पर बरसता है, मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, एक सीमा के आगे मत जाओ, नहीं तो तमिलनाडु और हिंदुस्तान की जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं ऐसे लोगों को फिर चेतावनी देना चाहता हूं, अपनी हरकतों से बाज आओ, हमारी श्रद्धा का मजाक मत बनाओ, हमारे आराध्य देव मजाक के विषय नहीं हो सकते, उनका अपमान कोई नहीं कर सकता, और जो भगवान मुर्गन का अपमान करेगा
हमारी संस्कृति और आस्था पर चोट करेगा उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हमारे नेता सिद्ध एमजीआर ने जो काम वर्षों पहले प्रारंभ किए थे, चाहे वो मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने का काम हो जिसके कारण बच्चे स्कूल में पढ़ने गए, और चाहे वो बेटियों के विवाह का कार्यक्रम हो जिसको शिक्षा से उन्होंने जोड़ा था, जिसके कारण न केवल बेटियां पढ़ी, न केवल विवाह हुआ बल्कि पढ़ के आगे भी बढ़ी, उस अभियान को पूर्णता पर पहुंचाया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हर घर को मकान, हर गरीब को मकान देने का अभियान, उजला रसोई गैस कनेक्शन देने का अभियान, शुद्ध पीने का पानी देने का अभियान, घर घर में शौचालय बनाने का अभियान, सचमुच में नरेंद्र मोदी अद्भुत है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अलग अलग दुनिया के देश मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, राह नहीं सूझ रही थी कि क्या करें। तब ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने लॉकडाउन का आह्वान किया और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा, कोरोना का सफलता से मुकाबला किया नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रंप कोरोना का मुकाबला नहीं कर पाए, ये चुनाव में हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के संकट से देश को बाहर निकालने के लिए कुशलता से नेतृत्व किया है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।